हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम सचिन अंबादे, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज. टुडे आई एम गोइंग टू टेक कार्डियोमायोपैथीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डीलिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोमायोपैथी. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोमायोपैथी इंट्रोडक्शन. कार्डियोमायोपैथी इज ए डिजीज ऑफ द हार्ट मसल्स दैट मेक इट हार्डर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. कार्डियोमायोपैथी कैन लीड टू हार्ट फेलियर. कार्डियोमायोपैथी हार्ट मसल्स की एक डिसीज़ होती है, जिसकी वजह से हार्ट की जितनी भी मसल्स होती है वो हार्डर होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो सप्लाई होता है वो इनसफिशियंट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है. देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ डाइवर्स कंडीशन ऑफ द हार्ट मसल्स. दिस डिसीज हैव मेनी कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट एंड कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड रेसेस. कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट की मसल्स होती है वह धीरे धीरे अब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है. इसके लिए हम आगे बात करेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में. इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज होते हैं, और ये बहुत बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, और डिफरेंट एजेस और रेसेस में ये अफेक्ट करती है. देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्डियोमायोपैथी. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक एंड रिस्ट्रिक्टिव. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. इस टाइप से तीन टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज ए टाइप ऑफ हार्ट मसल डिसीज दैट कॉजेज द हार्ट चेंबर वेंट्रिकल्स टू थिन एंड स्ट्रेच ग्रोइंग लार्जर. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में यह एक हार्ट मसल की डिसीज़ होती है, जिसकी वजह से जो हार्ट के चेंबर्स होते हैं, जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वह पतले हो जाते हैं, उसकी वॉल पतली हो जाती है और स्ट्रेच नहीं हो पाती है, मतलब कि स्ट्रेच और ग्रोविंग, इसका स्ट्रेचिंग और ग्रोविंग जो होता है वो लार्जर हो जाता है, मतलब कि इसका डायलेटेशन जो होता है वो बढ़ जाता है. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफ्यूज इन्फ्लामेशन एंड रैपिड डिजनरेशन ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स. जो हार्ट की लेयर होती है, मायोकार्डियल फाइबर के डिजनरेशन की वजह से वेंट्रिकुलर डायलेटेशन जो होता है वह वेंट्रिकुलर डायलेशन हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट ऑफ सिस्टोलिक फंक्शन, जो सिस्टोलिक फंक्शंस होता है उसका इम्पेयरमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रियल इनलार्जमेंट एंड स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी जो है वो धीरे धीरे सिस्टोलिक इम्पेयरमेंट की वजह से धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है. देन नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है सर्टेन इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेट स्टेज प्रेगनेंसी, डायबिटीज मलाइटस, एक्सेसिव आयरन इन द हार्ट एंड अदर ऑर्गन. एंड नेक्स्ट है हार्ट रिदम प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट वॉल डिसीज सच एज मेट्रल वॉल और एओर्टिक वॉल रिगर्जिटेशन. कोई भी सर्टेन इन्फेक्शन है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हार्ट में इन्फेक्शन का सोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. इसके अलावा लेट स्टेज प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से भी लेट स्टेज प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. इसके अलावा डायबिटीज़ मलाइटस में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बहुत हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है, और ग्लूकोज का लेवल जब भी बढ़ता है जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, क्योंकि ग्लूकोज के डिपोजिशन की वजह से जो आर्टरीज होती है, जो कि मेन आर्टरीज होती है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वहाँ पर दिक्कत
होना स्टार्ट हो जाती है और उसके ग्लूकोज के एक्यूमुलेशन की वजह से आर्टरीज जो होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर एक्सेसिव आयरन का डिपोजिशन जो है हार्ट के ऑर्गन या हार्ट के अदर ऑर्गन, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से जुड़े हुए दूसरे ऑर्गन में अगर हुआ है, जिसकी वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है हार्ट रिदम प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि एरिथमिया की वजह से या आर्टेरियल फाइब्रिलेशन जो होते हैं, जिसकी वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है वो उस इन चीज़ों की वजह से डेवलप हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर्स, ओबेसिटी, मोटापा एक ऐसा विकार होता है जिसकी वजह से हार्ट में जो है मसल्स की जो एक्टिविटी होती है वो जो है 50 से 65 साल की उम्र के बीच में जो है हार्ट की मसल जो होती है वो बिल्कुल वीक पड़ने लग जाती है और उसका डायलेटेशन और कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल लो हो जाता है और उसकी मसल जो है वीक होने की वजह से क्या होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ओबेसिटी की वजह से डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट वॉल डिसीज़ जैसे कि मेट्रल वॉल है या एओर्टिक वॉल रीगर्जिटेशन है, इनकी वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में इंक्लूड फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया ड्यूरिंग एक्टिविटी और वाइल लाइंग डाउन, रिड्यूस एबिलिटी टू एक्सरसाइज, स्वेलिंग, एडिमा इन द लेग्स, एंकल, फीट और बेली, एब्डोमन, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, फास्ट फ्लटरिंग और पाउंडिंग हार्ट बीट्स पाल्पेशन। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं फटीग्स या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है जब भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अगर डेवलप हुआ है हार्ट में तो, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और अगर कभी कभी अगर आपके एक्सरसाइज करने में जब भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है तो शरीर शिथिल होने की वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है अगर आपको पहले से ही हो तो डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग जो है लेग्स में स्वेलिंग आना, क्योंकि अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुआ है तो हो सकता है कि आपके मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से हार्ट में फ्लूड का ओवरलोड हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है रीनल शटडाउन में भी जा सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेग्स में स्वेलिंग या एंकल है, क्योंकि एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होता है कि एक डिसीज़ है जिसकी वजह से फ्लूड ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है आपका लेग्स में स्वेलिंग, एंकल्स, फीट्स और जो आपके पेट की बेली होती है वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस होना, ये सारी चीज़ें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम्स होते हैं, या फास्ट फ्लटरिंग या आर्टेरियल फाइब्रिलेशन या पाउंडिंग जो हार्टबर्न बीट होती है उसका पाल्पेशन जो है अलग से ही सुनाई आता है जब भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पेशेंट को डेवलप होती है, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स यह सारे होते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट का। हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करेंगे कि आपको कोई पास्ट जो है मेडिकल हिस्ट्री है हार्ट से रिलेटेड, या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, या आपका हार्ट मतलब चेस्ट में पेन होता है, यह सारी चीज़ों के बारे में हम मतलब मरीज़ से पूछेंगे, तो यह हिस्ट्री कलेक्शन हम पेशेंट से लेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जब हम किसी पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करते समय इको कार्डियोग्राफी में हम यह देखेंगे कि पेशेंट का हार्ट का साइज़, पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रिक्शन रेट जो होता है, या पल्मोनरी कहीं स्टेनोसिस तो नहीं है, या किसी चीज़ आर्टरी में किसी चीज़ का ब्लॉकेज तो नहीं आया है, वह इकोकार्डियोग्राफी से इजीली तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, कार्डियोमेगाली मतलब कि हार्ट में किसी भी टाइप की स्वेलिंग आई है तो वो चेस्ट एक्सरे में ईजिली तरीके से हम देख सकते हैं। ECG जो होता है वह उसमें हम जनरली जो है
पेशेंट के जन पेशेंट को पेशेंट का मतलब पेशेंट के चेस्ट लीड लगाकर हम पेशेंट का फोर आर्म और सिक्स लीड्स लगाकर हम जनरली इसको चेक करते हैं ईसीजी को। ईसीजी पर एक ग्राफ आता है जिसमें टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया या डिसरिथमिया किसी भी टाइप का अगर हार्ट संबंधित रोग हुआ है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन में तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। जैसे कि टेकीकार्डिया हुआ है इस कंडीशन में पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है या हार्ट ब्रेडीकार्डिया में हार्ट रेट कम हो जाता है या डिसरिथमिया हुआ है या हार्ट रेट में एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है तो एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का पेशेंट की रिदम जो होती है वो इरेगुलर होती है जिसकी वजह से हम ईसीजी में हम ईसीजी चेंजेस का हम पता लगा सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम कार्डियोमायोपैथी का कार्डियोमायोपैथी के बारे में हम पता कर सकते हैं। इट इज़ अ परफॉर्म टू कन्फर्म सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का पता कार्डियक कैथेटराइजेशन करके हम डायग्नोसिस का पता लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है मेडिकल मैनेजमेंट जैसे कि नाइट्रस टैबलेट आइसोसॉर्बिटेट जो होती है वो पेशेंट को चेस्ट पेन को रिड्यूस करने में और साथ ही चेस्ट पेन के अलावा इसे हम देने के लिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो हम नहीं दे सकेंगे। सबसे पहले तो इसको चेस्ट पेन को कम करने के लिए हम आइसोसॉर्बिटेट जो होती है सबलिंगुअल टैबलेट जो होती है वो हम एक देंगे इस जो होती है 5 mg की इसको हम सबलिंगुअल पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा लूप डायरेटिक्स जैसे कि फ्रूसेमाइड इंजेक्शन लेसिक्स जो होता है वो पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एसीई इनहिबिटर केटोप्रिल जो होती है हम यूज़ कर सकते हैं। बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स एटिनोलॉल बीटा एड्रेजेनिक या बीटा ब्लॉकर जो ड्रग्स होती है कार्डियक एरिथमिया के समय हम पेशेंट को देंगे। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट एग्जांपल पर स्पाइरोलैक्टोन जो है ये पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि यूरिन आउटपुट जो है इजीली तरीके से आ सके। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे कि डिजोक्सिन जो है 0.5 या 0.25 mg की जो डिजोक्सिन होती है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग होती है जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग होती है वो पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन में हम प्रोवाइड करेंगे। एंटी कोगुलेशन थेरेपी में हम पेशेंट को ड्रग्स देंगे। इसके अलावा ये जो होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो कि डिपेंड करता है पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स पे और पेशेंट के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पे कि हम किस तरीके से उसको पेशेंट को यह मैनेजमेंट दे सकते हैं। जब भी हमको ट्रीटमेंट देखना है तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए हमको सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और सारी चीज़ों का पता होना चाहिए तभी हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मेडिकली ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है वो कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन इसलिए होता है क्योंकि कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट की मसल्स होती है हार्ट की मसल्स जो होती है वो पूरी मतलब इम्पेयर्ड हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट का डायलिटेशन और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है इसलिए कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत भी कार्डियोमायोपैथी में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में पड़ सकती है। देन नेक्स्ट है सेकेंड टाइप्स होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी HCM इज़ अ डिसीज़ इन विच द हार्ट मसल्स बिकम्स थिक एंड हाइपरट्रोफाइड। जो हार्ट की मसल्स होती है वह बिल्कुल ही हाइपरट्रोफाइड हो जाती है और हाइपरट्रोफाइड होने की वजह से क्या होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बढ़ जाती है। सेल अपने साइज में जो हार्ट की सेल्स होती है या हार्ट की मसल्स होती है वह अपने साइज़ में बढ़ती जाती है और जिसकी वजह से बिना वेंट्रिकुलर डायलेटेशन के विदाउट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन के हार्ट की जो मसल्स होती है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाती है इसलिए इसे हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमेगाली भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग एओर्टिक स्टेनोसिस जेनेटिक हाइपरटेंशन और मोर कॉमन इन मेन बिटवीन द एज ऑफ 30 to 40 years। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है
क्योंकि ब्लड आने के बाद जो है आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट में जो भी एओर्टा हार्ट में ब्लड आने के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आने के बाद क्या होता है, जब ब्लड एओर्टा तक जाता है तो आर्च ऑफ एओर्टा में क्या होता है कि किसी भी ब्लॉकेज की वजह से या थ्रम्बोसिस की वजह से या किसी भी आर्थरोस्क्लेरोसिस या ओबेसिटी में हुए लाइपोप्रोटीन के डेवलपमेंट की वजह से या आयरन के एक्यूमुलेशन की वजह से भी क्या होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक जो होता है इसमें क्या होता है कि पहले किसी पेशेंट के मदर फादर या उनके मदर फादर को ये ऐसी कंडीशन रही होगी जिसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुआ है, तो इट मे बी चांसेस फॉर द नेक्स्ट इट मे बी चांसेस फॉर द नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन जो होता है उसको भी डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है हाइपरटेंशन में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हार्ट का जो फ्लो होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट पंपिंग जो होती है बहुत जल्दी जल्दी होना चालू हो जाती है, मतलब कि पेशेंट को टेकीकार्डिया भी डेवलप हो सकता है। उसकी वजह से भी हार्ट की मसल जो रहती है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मोर कॉमन इन मेन बिटवीन द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स, जो कि 30 से 40 साल की उम्र दराज जो भी पुरुष होते हैं उनको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। थिकेंड इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड वेंट्रिकुलर वॉल, जो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वह पतला हो जाता है और वेंट्रिकुलर वॉल, इसकी जो वेंट्रिकुलर की भित्ति होती है वह भी पतली हो जाती है या वॉल पतली हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है, जो हार्ट की मसल्स होती है वहाँ पर हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से डायसिस्टोलिक का जो फंक्शन होता है हार्ट, जो ब्लड प्रेशर का डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू डिक्रीज आउटफ्लो, जो ब्लड हार्ट का फ्लो आउटफ्लो होता है वह उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और वेंट्रिकुलर जो वॉल होती है वह इम्पेयर्ड हो जाती है, उसमें समस्या आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कार्डियक आउटपुट जो होता है वह कम हो जाता है या डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो इसमें क्या होता है जनरली पैथोफिजियोलॉजी में कि थिकेंड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम एंड वेंट्रिकुलर वॉल, फॉर दिस वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज, देन डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन मे बी हैपन एंड द इम्पेयर्ड ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू द डिक्रीज द आउटफ्लो, देन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। देन नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस कंडीशन चेस्ट पेन में भी डेवलप, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज करने के समय में क्या होता है चेस्ट पेन डेवलप होने के चांसेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में। फेंटिंग स्पेशली ड्यूरिंग द जस्ट आफ्टर एक्सरसाइज और एक्सर्शन, कभी भी हम जब भी एक्सरसाइज होती है या बॉडी का कोई भी पार्ट एक्टिविटी करने के लिए रेडी होता है उस कंडीशन में जनरली क्या होता है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमेगाली या कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। हार्ट मर्मर विच अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर माइट डिटेक्ट वाइल लिसनिंग टू द हार्ट, जब भी हार्ट मर्मर करेंगे तो इरेगुलर जो साउंड जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्राप्त होगा, जैसे कि जो भी सजेस्टिव डॉक्टर होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं उस कंडीशन में जब वो चेक करते हैं तो उसमें हार्ट मर्मर जो साउंड होता है वह उनको सुनने को मिलता है अबनॉर्मल। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ फास्ट फ्लटरिंग और पाउंडिंग हार्ट बीट्स, पालपेशन करने के समय में फास्ट हार्ट रेट जो होती है उसका फास्ट सेंसेशन होना, हार्ट का फ्लटरिंग होना या पाउंडिंग हार्ट बीट्स जो है या बढ़ जाना हार्ट बीट्स का, यह हाइपरट्रॉफिक डायलेटेड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में समस्या जो है वह हाइपरट्रॉफिक कार्डियो
कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलती है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते समय बॉडी जो है तेज़ी से एक्टिविटी करने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो यह जनरली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्रांसथोरासिक इकोकार्डियोग्राम। इको में हम देखेंगे इन दिस स्टेज डिवाइस ट्रांसड्यूसर इज अ पास्ट फेमली अगेंस्ट द स्किन द ट्रांसड्यूसर एम एंड अल्ट्रासाउंड बीम थ्रू चेस्ट हार्ट प्रोड्यूसिंग मूविंग इमेज ऑफ द वर्किंग ऑफ द हार्ट। मतलब इसमें जो होता है कि इको की जो मशीन होती है उसका ट्रांसड्यूसर होता है जिसको हम हार्ट पर लगाकर हम हार्ट की एक्टिविटी को हम देख सकते हैं कि हार्ट की मसल्स की एक्टिविटी जो होती है वो कितना परसेंट काम कर रहा है, उसमें एजेशन फिक्शन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेशन फिक्शन रेट जो होता है, उसका डायलेटेशन और कॉन्स्ट्रक्शन का जो परसेंटेज होता है उसका हम आइडेंटिफिकेशन हम इसमें ट्रांसथोरासिक इकोकार्डियोग्राम में देख सकते हैं। ईसीजी के थ्रू ईसीजी अटैच टू द एडहेसिव पैड्स ऑन स्किन मेजर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द हार्ट एंड ईसीजी कैन डिटेक्ट। ईसीजी की जो फोर आर्म लीड्स होती है और जो सिक्स लीड्स होती है जैसे कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 ये चेस्ट पे अप्लाई करने के बाद हम पेशेंट का हार्ट रेट जो है और ईसीजी की जो सॉरी हार्ट रेट की जो रिदम्स होती है वह पता कर सकते हैं कि पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, आर्टेरियल फेब्रिलेशन या एरिथमिया, इनका पता हम या टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया इनका हम पता जो है ईसीजी के थ्रू हम लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर हाइपरट्रोफाइड जो कार्डियोमायोपैथी हुई है वो जिसकी वजह से क्या होता है कि एरिथमिया के चांसेस हो सकते हैं तो इसका डिटेक्शन हम इकोकार्डियोग्राम से हम कर सकते हैं। एनलार्ज चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड अबनॉर्मल हार्ट रिदम। नेक्स्ट है कार्डियक एमआरआई। ए कार्डियक एमआरआई यूजेज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेशियो वेव टू क्रिएट इमेज ऑफ हार्ट। कार्डियक एमआरआई इज ऑफन यूज्ड इन एडिशन टू इकोकार्डियोग्राफी इन द इवॉल्वेशन ऑफ पीपल विद द हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। कार्डियक एमआरआई में हम हार्ट का एमआरआई करने के बाद हम जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो रेज होती है उसके थ्रू हम मशीन के थ्रू हम कार्डियक का इमेज हम देखेंगे, जिसकी वजह से हमें यह पता लगेगा कि हार्ट में हार्ट की जो मसल्स है वो किस तरीके से काम कर रही है, हार्ट में किसी टाइप का हाइपरट्रोफाइड डेवलप तो नहीं हो रहा है या मसल्स का स्टिफनेस तो नहीं हो रहा है। इस टाइप की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वह कार्डियक एमआरआई में हम देखेंगे। इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन इज एन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम क्या करते हैं, थीन फाइब्रोस्टिक जो ट्यूब होती है उसको हम एक इन्वेजिव प्रोसीजर मतलब कि शरीर के अंदरूनी भाग में हम कार्डियक कैथेटराइजेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम हार्ट की एक्टिविटी और हार्ट के फंक्शनिंग को और हार्ट के स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के रूप में हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी। बीटा ब्लॉकर सच एज द मेटाप्रोल, जब भी पेशेंट को एरिथमिया होता है या जब भी पेशेंट को एरिथमिया डेवलप हो रहा है उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर या मेटाप्रोल ड्रग का यूज़ करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि वीरापामिल इंजेक्शन जो है उसका यूज़ हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के रूप में कर सकते हैं। हार्ट रिदम ड्रग्स सच एज द एमेडरॉन जो होता है वह 300 mg या 150 mg का ड्रग्स होता है जो कि कार्डियक एरिथमिया या कार्डियक डिसएरिथमिया के कंडीशन में हम क्या करते हैं पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं उसके एरिथमिया को ठीक करने के लिए।
ब्लड थीनर सच एज द वारफरिन टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स. अगर पेशेंट को पेशेंट का इको में लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेशन फ्रैक्शन जो रेट है वह कम है या 20% या 15% हो रहा है तो पेशेंट वैसे भी हाइपोटेंशन में भी रहता है हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी की वजह से. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो क्लॉट्स होते हैं वह डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं. सो दैट टाइम वी विल गिव टैबलेट वारफेरिन. इट इज़ अ प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स ऑफ द आर्टरीज एंड हैव एट्रियल फेब्रिलेशन और द एटिपिकल टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ. कार्डियोमायोपैथी की वजह से क्या होता है, एक चांस होता है जिसकी वजह से क्या होता है सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं. इस वजह से पेशेंट को हम जो ब्लड थिनर होती है वारफेरिन जो कि ब्लड को पतला करने के लिए ब्लड क्लॉट को पतला करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. देन नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट सेप्टल मायक्टॉमी. दिस ओपन हार्ट सर्जरी माइट बी रिकमेंडेड. इट मेडिकेशन डजंट इम्प्रूव सिम्टम्स. इट इन्वॉल्व रिमूविंग पार्ट ऑफ द थिकेंड ओवरग्रो वॉल सेप्टम बिटवीन द हार्ट चैम्बर्स. सेप्टन मायक्टॉमी हेल्प इम्प्रूव ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट एंड रिड्यूस बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द माइट्रल वॉल. सेप्टल मायक्टॉमी में क्या होता है कि जो हार्ट का सेप्टम होता है उसका मायक्टॉमी करते हैं. सेप्टम को जो कंसल्टेंट होते हैं या जो भी सर्जरी के डॉक्टर होते हैं उसको कट करके रिमूव कर देते हैं. इससे क्या होता है हार्ट का ब्लड फ्लो जो होता है वह इम्प्रूव होता है और साथ ही हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड जो है सेप्टम के थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा है उसको प्रॉपर करके उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं ताकि उसका जो मेट्रल वॉल होता है उसका वहाँ से ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो सके. देन नेक्स्ट इज सेप्टम एब्लेशन. सेप्टम एब्लेशन दिस प्रोसीजर डिस्ट्रॉय द थिकेंड हार्ट मसल. इसमें क्या होता है कि जो पतली हार्ट मसल्स होती है उसको इस प्रोसीजर के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है विद एल्कोहल. द एल्कोहल इज इंजेक्टेड थ्रू द लॉन्ग थिन ट्यूब. एक पतली सी ट्यूब या कैथेटर होता है जिसकी वजह से अल्कोहल को उसके अंदर डाला जाता है और जो मसल्स होती है उसे जो हाइपरट्रोफाइड मसल्स होती है वो अल्कोहल के थ्रू डिस्ट्रॉय की जाती है और साथ ही मतलब इसे आर्टरी में सप्लाई करने के बाद ब्लड उस एरिया में क्या कर दिया जाता है सप्लाई कर दिया जाता है. नेक्स्ट है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिबिलेटर. एक छोटा सा डिवाइस होता है ए स्मॉल डिवाइस दैट कंटिन्यूज मॉनिटर द हार्ट बीट. इट्स इम्प्लांटेड इन द चेस्ट लाइक अ पेसमेकर. पेसमेकर जैसा एक आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेट करने के लिए एक डिवाइस हार्ट में एक नेचुरल इम्प्लांट किया जाता है जिसको हम कार्डियो वर्टेबल डिफेबिलेटर बोलते हैं जो कि हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है. यह सर्जिकल मैनेजमेंट है हाइपरट्रोफाइड या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का. देन नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी रेफर्स टू द सेट ऑफ चेंजेस इन हाउ द हार्ट मसल्स फंक्शंस. दिस चेंजेस कॉज द हार्ट टू फील पुअरली मोर कॉमन और स्क्वीज पुअरली लेस कॉमन. समटाइम्स बोथ प्रॉब्लम आर प्रेजेंटेड. हार्ट की फीलिंग पुअर या स्क्वीज पुअर होने की वजह से क्या होता है कि हार्ट का जो पंपिंग या ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है प्रॉपर ना होने की वजह से क्या होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. देन नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स अनलॉन इटियोलॉजी माया कार्डियल फाइब्रोसिस. रिस्ट्रिक्टिव
कार्डियोमायोपैथी में नॉन इटियोलॉजी भी डेवलप होने हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी अगर बात करते हैं तो मायोकार्डियल फाइब्रोसिस जो है, मायोकार्डियम जो लेयर होती है वहाँ पर फाइब्रोसिस का डेवलपमेंट हो जाना, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस का डेवलपमेंट होना, या सार्कोडोसिस का डेवलप होना, या रेडिएशन जो है थोराक्स में रेडिएशन की वजह से क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं वह बढ़ सकते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स अभी हमने बात की थी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टीफनेस ऑफ वेंट्रिकुलर जो वॉल होती है उसमें स्टीफनेस होना डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वेंट्रिकुलर कॉम्प्लिकेशन का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स बिकम्स रेजिस्टेंस टू फीलिंग, वेंट्रिकुलर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है पेशेंट को डेवलप हो सकती है। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ज़्यादा एक्सरसाइज करने के समय में क्या होता है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इस कंडीशन में होती है जब पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट है फटीग, फीलिंग ओवर टाइडनेस, स्ट्रेस सिचुएशन की कंडीशन की वजह से क्या होता है कि फटीग होने की वजह से भी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एट फीट, वेट गेन, नोजिया, ब्लॉटिंग एंड पुअर एपेटाइट, या पाल्पेशन, फ्लटरिंग इन द चेस्ट ड्यू टू अबनॉर्मल हार्ट रिदम, इसकी वजह से भी जो है रिस्ट्रिक्ट कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइनम सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, चेस्ट एक्सरे टू फाइंड आउट फॉर द हार्ट इनलार्ज और नॉट, इकोकार्डियोग्राम फॉर डिटेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रिक्शन रेट एंड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन रेट एंड मेन कंडीशन ऑफ द हार्ट एंड एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, कार्डियक कैथेटराइजेशन फॉर फाइंड आउट ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और रेडियो न्यूक्लियर स्टडीज़ जो है, ये सारी जो टेस्ट होते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि मैनेजमेंट में बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि मेटाप्रोलोल कार्डियक एरिथमिया की कंडीशन में हम देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सच एज द वीरापामिल स्टीरॉयड हाइड्रोकॉर्टिजोन 100 mg का जो होता है वो मसल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। हार्ट रिदम ड्रग्स सच एज द एमेडरॉन कार्डियक एरिथमिया की कंडीशन में हम एमेडरॉन का इंजेक्शन होता है 300 mg या 150 mg पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कार्डियोमायोपैथी फॉर वी आर स्टडीड फर्स्ट ऑफ ऑल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। यह आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इससे जुड़ी कोई समस्या है या किसी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट सो यू कैन जस्ट आस्क मी। थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू।